टॉक बड़ी ग्रैंड तू निरी फैशन कुड़िए तेनु वेख वेख चल देने ब्रैंड तू निरी फैशन कुड़ी। फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल ऑसम इंडियन मॉम। फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। एंड जिन लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है उनको थैंक यू वेरी मच। तो जो आज का वीडियो है वो एक DIY वीडियो है। मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर बनाने वाली हूँ स्पंज की मदद से। ये पर्पल कलर का बहुत ही क्यूट प्यारा सा स्पंज है और बहुत ही फ्लॉलेसली ये जो है आपका मेकअप करेगा। बहुत अच्छे से फाउंडेशन इससे लगेगा और ये 30 रुपीज़ का है सिर्फ, और 30 रुपीज़ में एक ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो हमारा तैयार हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इससे बनाने वाली हूँ ब्यूटी ब्लेंडर। ये जो है एक स्पंज है बहुत ही सॉफ्ट। तो इसके लिए जो चाहिए मैं सबसे पहले इस पर मार्क कर लूँगी जिस भी टाइप का या जिस भी शेप का आपको ब्लेंडर चाहिए। तो आप देखेंगे कि मैंने ये मेरे को इस शेप में चाहिए तो मैंने ये मार्क कर लिया है और अब इसको कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स मेरा जो है ये ब्लेंडर बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब इसको मैं यूज़ करूँगी और फाउंडेशन अप्लाई करके दिखाऊँगी। इस टाइम फिर मेरे फेस पे थोड़ा सा भी फाउंडेशन नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, तो मैं आपको फाउंडेशन लगा के इसे अब दिखाऊँगी। तो सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा पानी से गीला कर लें ताकि जो ये ब्लेंडर है ये ज़्यादा फाउंडेशन ना पिए और आपका जो फाउंडेशन है वो अच्छे से लग सके फ्लॉलेसली। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फिट मी फाउंडेशन। मैं थोड़ा सा फाउंडेशन ले लूँगी। तो ये मैं फाउंडेशन ले चुकी हूँ और अब इसके बाद और जो ये कॉर्नर है ये बहुत मदद करते हैं आपके आई एरिया के नीचे लगाने के लिए फाउंडेशन। इससे बिल्कुल भी जो आपका फाउंडेशन है वो केकी नहीं लगेगा और एकदम फ्लॉलेसली जो है पूरा स्प्रेड हो जाएगा अच्छे से। मतलब ये बिल्कुल एक्चुअल ब्लेंडर जैसे काम करेगा। और आप देखेंगे बिल्कुल थोड़े में काम हो गया है। देखेंगे कि बिल्कुल फ्लॉलेसली मेरा जो फाउंडेशन है वो लग चुका है और बिल्कुल थोड़ा सा यूज हुआ है फाउंडेशन। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो थैंक यू वेरी मच गाइज मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मिलती हूँ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, आप खुश रहिए।